असलकुम डियर स्टूडेंट्स इट इज एजुकेशन फॉर क्लास अलेवेंथ अवर टॉपिक इज इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन मीन्ज दैट एजुकेशन शुड डेवलप द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू दियर ओन इंटरेस्ट नीड्स एंड एबिलिटीज इट मीन्ज दैट एक बच्चे को हमें इंडिविजुअल एम का मतलब यह है कि हमें बच्चे को उसकी इंटरेस्ट उसकी नीड्स और उसकी उसकी एबिलिटीज जो होते हैं उसके सलाहियत जो होते हैं उसी हिसाब से उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो ठीक तरह से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन हासिल करे और वो मतलब वो कामयाबी भी, भी हासिल कर, करेगा तो अगर हम क्योंकि अगर हम उसको मतलब ये उसको सोसाइटी उस पर रूल करेगी सोसाइटी उस पर अपना रोल चलाएगी तो वो वो खराब हो जाएगा वो इंडिविजुअल को फ्री फ्रीडम दे दो वो अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के अपनी एबिलिटी के हिसाब से आ, चलेगा तो कुछ लर्न करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बनस्बतें कि अगर सोसाइटी उस पर अपना रोल सोसाइटी उस पर मजबूर करेगा कि अपने हिसाब से चल रहे तो जिससे वो इंडिजुअल जो होता है वो खराब होता है वो ठीक तरह से नहीं चल रहा, चल पाता है तो इसके इसीलिए इसकी यहाँ पे इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन जो है इट मीन्स दैट एजुकेशन शुड डेवलप द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इंश्योर फ्री ग्रोथ ऑफ योर एबल इंडिजुअलिटी इंडिजुअल एम जो है ये इंश्योर करता है कि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ जो होता है वो फ्रीली डेवलप हो जाएगी फ्रीली फ्रीली डेवलप हो जाए फ्रीली डेवलप uh, हो, हो जाए उस पर सोसाइटी so, 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 आ, का रूल नहीं होना चाहिए सोसाइटी की मदाखलत की सोसाइटी सोचा, सोचा, की इंटरफेरेंस नहीं हो, होनी चाहिए सोसाइटी अपना रूल अपनी डायरेक्शन नहीं हो, उसको देनी चाहिए सोसाइटी में मतलब को उसके पेरेंट्स उसकी उसके नेबर्स उसके टीचर्स बाकी जो उसके इंटरेस्ट्स है जो उसके डिजायर्स है जो उसके नीड्स है उसी हिसाब से उसको डेवलप करना चाहिए फॉर दिस एजुकेशन शुड प्रोवाइड सच एन एनवायरमेंट इन विच यूर इंडिविजुअलिटी इज मोस्ट कम्पलीटली डेवलप्ड इसलिए हम एजुकेशन जो होता है उसको ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे उस एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल uh, की डेवलपमेंट हो जाएगी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो जाएगी ये एजुकेशन की अब जिम्मेदारी बनती है ये उसको मतलब टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि उसको उसी हिसाब एजुकेशन उसके इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो ठीक तरह से डेवलप हो जाएगा इंडिविजुअल इज द सेंटर फिगर इन द सोशल सेटअप इंडिविजुअल उसका सेंटर फिगर होता है इट मीन सारा जोर सारा सारा स्ट्रेस इंडिविजुअल पे है न कि सोसाइटी पे। सोसाइटी, सोसाइटी यहाँ पे हम साइड uh, लाइन करते हैं यहां पर सारा जोर सारा इंटरेस्ट जो है वो सोसाइटी पे वो एक इंडिविजुअल पे है हमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट यहाँ पे करनी चाहिए इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है उसी हिसाब से उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उसके नीड्स उसके डिजायर उसके इंटरेस्ट हमें देखने हैं और फिर उसी हिसाब से उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ऑल दोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट फॉर द बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल एम के हिसाब से जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक फैमिली लाइक नेबर्स लाइक स्कूल्स लाइक अदर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए होते हैं बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए होते हैं मीन्स वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल की तरक्की इंडिविजुअल की बेहतरी के लिए होते हैं तो मैनी थिंकर सपोर्ट दिस एम्स बहुत से थिंकर वो उन, उन्होंने इस इंडिविजुअल एम को सपोर्ट किया उसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट ने जो है उन्होंने इस एम को सपोर्ट किया उन्होंने इस इंडिविजुअल एम को सपोर्ट किया साइकोलॉजिस्ट की क्या राय है साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इंडिजुअल डिफरेंस वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंस उनमें डिफरेंस होती है वो दैट डिफर्स तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट मीन्स इंडिविजुअल जो है उनकी वो डिफेंट कोई भी दो बंदे सेम नहीं होते हैं नो टू इंडिविजुअल्स और अलाइक इवन अगर हम ट्विन्स भी लेंगे जो शक्ल से सेम हो सकते हैं मगर वो मैं, उनकी जो उनका जो माइंड है उनके आइडियाज जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं तो एवरी वन हैज़ यूनिक यूनिक नीड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज हर एक को अपनी हिसाब से एबिलिटीज होती है अपनी नीड्स होती है एंड डिजायर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो इसलिए हमें uh, सारों को एक जैसी uh, तालीम नहीं देनी चाहिए उसके हिसाब से हमें ये देखना है कि इंडिविजुअल की नीड्स क्या है इंडिविजुअल की डिजायर क्या है इंडिजुअल की एबिलिटी क्या है उस हिसाब से उसको देना है देने इवन के यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि इवन के टू इंडिविजुअल टू टिविन जो अगर है टिविन जो है वो भी सेम नहीं है तो बायोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग खुशियात होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स वो थ्रू थ्रू जीन्स हासिल करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राम थॉम्स एजुकेशन इज फॉर इंडिविजुअल इट इट्स फंक्शन बींग टू इनेबल द इंडिविजुअल टू इंश्योर टू सर्वाइव एंड लिव आउट इट इट्स कम्पलीट लाइफ तो बायोजिस्ट एक मशहूर बायोजिस्ट है जिसका नाम है ग्राम थॉम्स वो कह रहा है कि एजुकेशन इज एजुकेशन इज फॉर इंडिविजुअल एजुकेशन एक इंडिविजुअल के लिए है इट इज इट्स फंक्शन बींग टू एनेबल द इंडिविजुअल टू सर्वाइव इसका मतलब एजुकेशन की फंक्शन जो है वो एक इंडिजुअल की सर्वाइव के लिए है इंडिविजुअल किस तरह सरवाइव करेगा किस तरह अपनी लाइफ जिएगा तो ये उसी है उसी के लिए होती है मतलब एक एजुकेशन उसी हिसाब से हमें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम हमें देखना कि इंडिविजुअल किस तरह अपनी लाइफ जी सके तो नेच ये कह रहे हैं कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल हमें एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाहिए हमें इंडिविजुअल को फ्री फ्री देना फ्री मत छोड़ना चाहिए तो वो ऑटो तो मतलब उस, उस हिसाब से तो उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी नेचुरलिस्ट का कहना यह है कि इंसान जो इंसान एक जब पैदा होता है बाय नेचर वो बहुत ही अच्छा होता है मगर फिर जब वो एक लोगों के हाथों में लगता है इंसान के हाथों में लगता है तो वो तबाह होता है क्या क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू जैजे रूसो रूसो एक नेचुर मशहूर नेचुरलिस्ट है वो क्या उसका क्या कहना है एवरी एवरी थिंग इज़ गुड एज इट कम फ्रे फ्राम देंड्स ऑफ नेचर तो हर एक चीज हर एक सब कुछ अच्छा होता है जब इंसान जब एक नेचर के इंसान एक नेचर के हाथ में होता है बट एवरी थवरी थिंग डिजनरेट्स सारा डिजनरेट होता, होता है सारा तबाह होता है इन देंड्स ऑफ मैन सब कुछ तबाह होता है जब इंसान जब एक इंडिविजुअल इंसान इन, के हाथ में लगता है तो इसका मतलब यह है कि बाय नेचर इंसान बहुत अच्छा होता है मगर जब इंसान के हाथों में लगता है तो वो तबाह होता है तो इस, इसलिए उसने इंडिविजुअल एम पे जोर दिया है कि ताकि बाई वो कुदरती तौर पे अगर वो डेवलपमेंट उसको चाहे तो वो बहुत ही अच्छी होती है स्परिचुअलिस्ट क्या कह रहे हैं स्परिचुअलिस्ट कह रहे हैं कि डेवलप सेल्फ रियलाइजेशन स्परिचुअल ये कहना है कि इंसान अगर अगर हम इंडिविजुअल एम को डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिससे इंसान की सेल्फ रियलाइजेशन होती है ये इंडिविजुअल एम था इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन था इसमें एजुकेशन uh, ये जोर दे, देते हैं कि हमें एक इंडिविजुअल सारा स्ट्रेस एक इंडिविजुअल पर देना है उसको डेवलपमेंट करने की डेवलपमेंट करने की कोशिश करने है न सोशल एम को न सोसाइटी को कल्चर उसके कल्चर को बाकी चीजें बाकी जो होती है स्परिचुअल डेवलपमेंट को स्पिरिट को कल्चर को उसकी सोसाइटी को उसको उसमें वो डेवलपमेंट नहीं करने की नहीं ज़रूरत है सारा जोर उस पर उन्होंने दिया है कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन था ये एक एक टाइप ऑफ टाइप ऑफ एम ऑफ एजुकेशन है इट्स वन टाइप ऑफ एम ऑफ एजुकेशन हमें इसमें बहुत से टाइप्स पढ़ने हैं तकरीबन छः टाइप्स पढ़ने हैं इंडिविजुअल एम है कल्चरल एम है सोशल एम है एम है वोकेशनल एम है, है वो हमें पढ़ने हैं तो ये पहला एम था एजुकेशन का शुक्रिया